जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जनमत। और साथियों, कहा जाता है कि वक्त सबसे बड़ा शिक्षक होता है, ये सब कुछ सिखा देता है, लेकिन क्या हम इससे सबक ले पाते हैं? वर्तमान कोरोना विश्व संकट से सभी वाकिफ है और इस वायरस ने जहां तक लोगों के चेहरे को नकाब से ढक दिया है, उसी तरह से बहुत सारे चेहरों से नकाब को हटा भी दिया है। ये कह सकते हैं कि किसी ने इस आपदा को खुद के लिए अवसर में बदल लिया, तो कोई जान हथेली पर रखकर लोगों की जान बचाने में लग गया। इस दौर में कोई सलाह दे रहा है तो कोई किसी का फर्ज याद दिला रहा है, कोई लॉकडाउन एंजॉय करने के तरीके बता रहा है तो कोई मदद करने के लिए सड़कों पे चला जा रहा है। तो लेकिन इस दौर में जो नजर नहीं आया वो है महिला आयोग, नीति आयोग, ट्रेड यूनियंस और SC ST OBC अल्पसंख्यक के जनप्रतिनिधि। तो आज हम करेंगे चर्चा कि कोरोना किसी की आपदा, किसी का अवसर। और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं श्री सिद्धार्थ परमार जी, जो कि पूर्व विधायक हैं गुजरात और अम्बेडकरी आप चिंतक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं माननीय शशिकांत जाधव जी, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं भारतीय बौद्ध महासभा के। हमारे साथ हैं श्री मुकुल बाग जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय बौद्ध महासभा और साथ ही संपादक हैं बुद्ध जगत इस अखबार के। और हम अगर देख रहे हैं तो मुकुल बाग जी इस वक्त मध्य प्रदेश में अम्बेडकरी आंदोलन के उभरते हुए चेहरे के रूप में हमें नजर आते हैं। तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं माननीय सांसद, पूर्व सांसद महोदय को मैं यहाँ पर पहली बात कहने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी सरकार के सदस्य रह चुके हैं, गुजरात में आपने ये सारा कुछ संभाला है। इस वक्त अगर ये जो कोरोना वायरस जो है वो अगर फैल रहा है, वो अगर चारों तरफ बढ़ गया है भारत में, तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको? देखिए, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं जी कि इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश का मुखिया है जी। ये जो तबलीगी जमात वाली बात चलाई निजामुद्दीन वाली, वो खुद को बचाने के लिए चलाई। वो जो यहाँ पे गुजरात में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम जो किया उन्होंने जी, और वो नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ, अहमदाबाद में पूरे विश्व से लोग आए, पूरे भारत से लोग आए। आई थिंक लॉकडाउन के पहले जनवरी और लॉकडाउन के बीच में 64,000 लोग भारत में विदेश से आए। और गुजरात का जो नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम रहा उसमें करीबन 50,000 से 1,00,000 लोग इकट्ठा हुए। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में वुहान अगर कोई बना हुआ है तो अहमदाबाद बना हुआ है जी, जी, जी। सबसे ज्यादा लाशें गिर रही है तो अहमदाबाद में गिर रही है जी, जी। तो इसका पूरा जिम्मेवार भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अगर ये कार्यक्रम नहीं किया होता तो मैं मानता हूं कि पूरे भारत में आज ये जो परिस्थिति चल रही है वो परिस्थिति नहीं होती जी, जी, जी। साथ ही हम अगर देखें तो इस वक्त बहुत बुरी स्थिति में है महाराष्ट्र भी। जाधव जी हमारे साथ है, जाधव जी क्या कहना चाहेंगे इस वक्त सर, स्थिति यहाँ भी खराब है, सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित कौन हो रहा है? इस स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो जो मजदूर है जी। मजदूर है, फिर श्रमिक वर्ग है वो, और श्रमिक वर्ग मजदूर कौन है? SC ST OBC समाज के लोग, यही है इसमें प्रताड़ित है, पीड़ित है, जो कि अगर उनको या जहां भी है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, पुणे में है, उनको उनके घर जाने तलक की सुविधा नहीं है। जैसे कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को वो लोग कांटेक्ट कर रहे, कोई सेवाभावी संस्थाओं को कांटेक्ट कर रहे, एनजीओ को कांटेक्ट कर रहे, लेकिन सरकार की तरफ वो ये नहीं कर रहे, क्योंकि क्या है, उनको वहां पे और प्रताड़ित या पीड़ित किया जाता है जी। उन लोग को राशन नहीं मिल रहा है, उन लोग को आज जाने आने की सुविधा नहीं मिल रही है। ये सब
सरकार इस तरफ देख नहीं रही है जी, और जीएसटी एससी जो लोग है इसमें ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। और जैसे कि परमार सर ने बताया था कि ये 30 जनवरी को फाउंड हुआ था, ठीक है, तो ये ट्रंप साहब यहाँ आने वाले थे और इनको मध्य प्रदेश की सरकार भी चेंज करानी थी जी। तो इस बीच में ये लोग ने लॉकडाउन घोषित वो टाइम करना चाहिए था, वो तभी किया नहीं, वो टाइम ये कोरोना वायरस फैलता चला गया, उसके बाद इन लोग ने मार्च में लॉकडाउन घोषित किया। वैसे देखा जाए जी बोलिए बोलिए बोलिए। लंबे समय से राहुल गांधी जी ने बहुत पहले ही चेताया था कि ऐसी स्थिति आने वाली है, और फिर क्या उनने ही क्या चेताया, अगर हम ये कहें कि लग ही रहा था जब एक देश में बहुत बुरी तरह से ये फैल चुका था तो भारत में आना तो था ही, क्योंकि लोगों का आना जाना चल ही रहा था। ऐसी स्थिति में सरकार ने जिस ओर ध्यान देना था वो था हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग करना और तमाम रूप से उनको प्रतिबंधित करना। आज जितने प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि उस वक्त अगर लगा दिए गए होते तो हमारे देश की स्थिति बहुत बेहतर होती? सही बात है, वो टाइम अगर प्रतिबंध लगाए जाते तो इतने तेजी से ये वायरस यहाँ पे घूमता नहीं। बिल्कुल, अभी दिक्कत ऐसी है महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र मुंबई इस जगह पे इतनी तादाद में ये बढ़ रहा है क्योंकि हर जगह से रोजगार के लिए तलाश में सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं श्रमिक, और इनके कंट्रोल के बाहर हो रहा है इनको रोकने के लिए। जी जी। रोज की तादाद इतनी है कि 100-150 पॉजिटिव हर सुबह मिल रहे हैं, परमार सिरे से मिल रहे। जी जी जी, परमार साहब आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि जो शुरुआत में जिस वक्त ध्यान दिया जाना चाहिए था उस वक्त तालियां थालियां बजाते रहे, आपने भी बजाई होगी? नहीं, हम तो तालियां थालियां बजाने वालों में से नहीं थे जी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अभी जो बात हुई इसमें कोई ये बुद्धि इनमें बुद्धि नहीं है, ये तो नहीं बात है। जी जी जी। इन लोगों ने 1925 में तय किया था कि हमें क्या करना है और आज तक वो उसी लाइन पर चले आ रहे हैं, यानी इनमें बुद्धि नहीं है वो नहीं हो सकता है जी। इसके पीछे मुझे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिख रही है। और आज जो भारत में हो रहा है जी, अर्थतंत्र नीचे जा रहा है, सब मजदूर लोग गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि अब जो भारत में शासन चल रहा है भारतीय संविधान के पीछे जी, वो बंच ऑफ थ्रोट के हिसाब से चल रहा है। जो गोलवलकर ने कहा था कि संपत्ति एक या दो लोगों के पास ही होनी चाहिए, तो ये जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को गिराई जा रही है उसमें मुझे कहीं ना कहीं आरएसएस का अभी तो एजेंडा है वही दिख रहा है। कोरोना के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है ये मुझे अभी दिख रही है, ये कोरोना जो लॉकडाउन है। वाकई वाकई ये आपने बहुत सही और इसको मोड़ा है, कोरोना के पीछे इस बहुत बड़ी साजिश हो रही है और इसको अवसर के रूप में बदल दिया है, ये उन्होंने खुद स्वीकार भी किया है कि उन्होंने, और इस अवसर का लाभ लेते हुए उन्होंने श्रमिक कानून खत्म किए, इस अवसर का लाभ लेते हुए बहुत सारे जो सरकारी संस्थान या सरकारी क्षेत्र है उसको निजी क्षेत्रों में बदला है। हम अगर देखें तो दलित आंदोलन जो है या दलित नेता जो है ये तभी सक्रिय होते हैं जब बात आरक्षण की आती है। क्या आपको लगता नहीं कि जब बहुत बुरी तरह से निजीकरण हो जाएगा या पूरी तरह से निजीकरण हो जाएगा तब ये आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा? तो हम जब मजदूरों की बात आती है या निजीकरण की बात आती है तो केवल वामपंथी आंदोलन पर क्यों निर्भर रहते हैं, क्या दलित आंदोलन इस ओर नहीं बढ़ सकता? परमार जी, मैं आपको दो मैं पॉलिटिक्स में रहा हूँ, मैंने विधायकी से इस्तीफा भी दिया है जी। तो उसमें मेरा जो अनुभव है उसमें कहीं ना कहीं समाज की भी गलती है। समाज अपना सही नेता चुनने में गलती कर रहा है जी, इस तरह, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मुझे अभी मिले, कल कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा वो जाने दो, मुझे अभी क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है जी। ये जो समाज में जो भावना खड़ी हुई काशीराम साहब के आंदोलन के बाद जी,
आप देख ले, किसी भी आंदोलन में पब्लिक जुड़ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग स्वार्थी हो गए। तो दलित नेतृत्व इसलिए खड़ा नहीं हो रहा है कि दलित सही नेतृत्व को समाज सपोर्ट नहीं कर रही है, समाज पहचान नहीं सकती है, हर किसी के पीछे भागती है जी। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम अपना ये, वामपंथी पर हम क्यों निर्भर रहते हैं, क्योंकि वामपंथी लोग संगठित है जी। उसका कोई भी आंदोलन होगा तो छोटा आंदोलन नहीं होगा, आप देख लीजिए। तो ये जो हमें करना चाहिए दलित आंदोलन में, वो हम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे नेता लोग बटे हुए हैं। आप किसी भी जाति के लोगों को, नेताओं को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो लिंक उनकी जुड़ी हुई होगी। हमारा भाजपा का नेता जो होगा दलित आदिवासी दोनों, तो वो कांग्रेस के नेता को दुश्मन की तरह देखेगा, वो नहीं देखेगा कि वो भी दलित है, मैं भी दलित हूँ जी। तो हमारा में पार्टी जुनून ज्यादा आ जाता है, समाज जुनून तब छूट जाता है। तो ये दो प्रॉब्लम के कारण हम लोग आंदोलन नहीं चला सकते। बाकी और इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो तस्वीरें नजर आ रही है वो सड़क पे चलते मजदूरों की है, और जगह जगह पर दलितों पर हो रहे हमलों की है, या फिर ये कहें कि क्वारंटाइन सेंटर में भी उनके साथ जो दूजा व्यवहार हो रहा है, जो गलत व्यवहार हो रहा है, ये तमाम तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की एक घटना है जहाँ पे एक दंपत्ति को शौचालय में उनको क्वारंटाइन किया गया। मतलब ये अजीब स्थितियां नजर आती है, यानी कि इस आपदा की स्थिति में भी जाति जो है वो कहीं ना कहीं पर प्रभाव डाल रही। मुकुल हमारे साथ है। मुकुल, आप प्रदेश मध्य प्रदेश को अगर देख रहे हैं कि आप काफी उभरते नेतृत्व हैं और आप आंदोलन भी इसमें कर रहे हैं, तो ये बताएं कि मध्य प्रदेश की सरकार बनने से लेकर अब तक, या फिर इंदौर की बात कहें जहां से आप खुद हैं, वहां पर इस भयानक स्थिति के लिए, कोरोना की भयानक स्थिति के लिए इंदौर में कौन जिम्मेदार रहता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिम्मेदार वहां पर ठहराई जा सकती हैं। दूसरी बात यह है कि कोरोना के साथ साथ जो अत्याचार, जो कमजोर वर्ग जिसमें श्रमिक भी आता है, दलित भी आता है, और श्रमिक अगर कहें तो उसमें दलित और ओबीसी वर्ग ही है, तो इस पर अत्याचार कम नहीं होने के पीछे आप किन बातों को मुख्य रूप से मानते हैं? क्या आपको लगता है कि नेतृत्व जो है ये बटा हुआ है इसलिए ऐसा है, या फिर ये इन परिस्थितियों में हम सब ने अपने आप को ढाल दिया? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इंदौर ने, जैसे हमारे परमार साहब बता चुके हैं कि इंदौर ही नहीं, पूरे देश में कोरोना को फैलाने के लिए प्रधानमंत्री और सरकार जिम्मेदार है। और मौजूदा दौर में आप देखेंगे भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का मूल उद्देश्य है कि सरकार समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुंच पाए। परंतु हम मौजूदा दौर में देखेंगे कि सरकार का विकेंद्रीकरण करने के बजाय सरकार का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। सरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह के इधर गिर्द घूमती। जब देश में प्लान करने की बात होती तो प्लानिंग कमीशन का कोई बयान नहीं आता, नरेंद्र मोदी का बयान नहीं आता कि ताली ताली बजाओ। जब देश के मजदूर लोग परेशान होकर कोरोना महामारी से अपने आप को बचाने के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो उनके पाव में ढाले आते। मजदूरों की वकालत करने वाला, मजदूरों के लिए न्याय की बात करने वाला श्रम मंत्रालय कहाँ है? सड़कों पर परेशान होती माता बहनों के लिए महिला आयोग कहाँ है? जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पैदल चलने को मजदूर को तो दूर, तो उन बच्चों की समस्या को समझने के लिए जो बाल आयोग बना है वो कहाँ है? सत्ता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गिर्द गिर्द घूमते। कर्मचारी यूनियन का आपको कहीं कोई पता नहीं चलेगा, एसटी यूनियन का आपको कहीं पता नहीं चलेगा। मतलब सरकार टोटली एक आदमी अपनी धुन में चला रहा है, जिससे देश का लॉकडाउन की स्थिति है, तो पूरा 99% में मानता हूँ कि दलित वर्ग परेशान हो रहा है। नहीं, परेशानी तो है सब जी, मध्य प्रदेश की बात मैं जाप जा रहा हूँ, परेशानी तो है। मैं आप सभी के लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि हम अगर देखें तो परेशान जो है वो बहुजन वर्ग ही है। ऐसे में नेतृत्व है या फिर तमाम आंदोलन है वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? वो क्या क्या कारण है कि वो सब एकजुट होकर इस बात को उठा नहीं रहे? कहीं पर भी उठती हुई बात नजर नहीं आ रही है, या फिर तमाम दूसरे मुद्दों से इन आवाजों को दबा दिया जा रहा है? क्या मानते हैं?
मध्य प्रदेश की बात भी आप सर के पीछे में सबसे ज्यादा जिम्मेदार मान रहा हूँ सत्ता की लोलुपता जी। जो एससी के हमारे प्रतिनिधि है जिनका दायित्व था कि वो सरकार के इन हमारे जो मंत्रियों को है जिनके वोट के बदले तो मंत्री जीतरे और विधायक ने उनको वो जिस तरह अपने चुनाव के दौरान लेकर आते छोड़कर आते अपने पैसे से वो आते थे उस तरह की व्यवस्था करके इन लोगों को परेशानियों से मुक्ति दिला सकते थे। परंतु सत्ता की जो लोलुपता है वो प्लस पार्टी गाइडलाइन के बाहर जाकर ये नेता काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि तो जितने समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं है उससे ज्यादा पार्टी के प्रति जिम्मेदार। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश जो 24 विधायकों ने इस्तीफा देकर सरकार को गिरा है उसमें हमारे अधिकतर दलित मंत्री है। यदि वो दलित इस्तीफा देते पूरे देश में अलग मुकाम पर। परमार जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये दलित नेतृत्व जो है या एससी एसटी ओबीसी का जो नेतृत्व है ये यूं ही बिखरा रहेगा सब कुछ खत्म होने की हद पर? देखिए मैं पहले दो बात करूंगा। पहली बात तो ये जो रोड पर जा रहे हैं जो लोग तो इन्हीं लोगों ने मंदिर के लिए वोट दिया था जी। राम मंदिर जब राम मंदिर अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई तब गिराने में कौन थे जी? यही एसटी एससी ओबीसी के ही लोग थे जी। नरेंद्र मोदी को सत्ता तक ले जाने में कौन थे? ज्यादातर ओबीसी, उसके बाद एससी, उसके बाद एसटी जी। तो हमने जो बोया है वही हमें काटना पड़ेगा। आज रोड पर जो लाइनें लगी है जो भूखे मर रहे हैं जो हजार हजार किलोमीटर जा रहे हैं कोई बनिया नहीं है कोई ब्राह्मण नहीं है कोई ठाकुर नहीं है सब एससी एसटी ओबीसी के ही लोग है। बिल्कुल। तो जो हमने जो गलतियां की है यही लोग जो हमारे यहाँ से जो पर प्रांतियों को हमने भेजा कलेक्टर को कह के यहाँ से मेरे मत क्षेत्र में से जी तो ज्यादातर लोग विश्व हिंदू परिषद से ज्यादा जोश से जय श्री राम बोलने वाले यही लोग थे जी 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 जी। अभी तो इन वर्ग को समझना है कि जब सत्ता चाहिए तब आप हिंदू हो जाते हो, जब सत्ता मिल जाती है तब आप शूद्र हो जाते हो। वाकई। तो इन शूद्रों को ही सोचना है अब कि हमें क्या करना है, हमें किस लाइन पर जाना है। जब ये सब इकट्ठा हो जाएंगे तब ये भीड़ जो है वो भीड़ बनकर विश्व हिंदू परिषद के पीछे जुड़ती है, वो वहां से निकल गई तब ये भीड़ संगठित होकर संगठन बन के अपने नेता के पीछे जुड़ेगी तब 100% परिवर्तन आएगा। नहीं और आपको अपने नेताओं का भी मैं बोलती जी जी आपको अपने नेता भी अपने नेता भी ये जो दिक्कतें हैं कई कई टीवी चैनल्स में कुछ जो बेहतर पत्रकार हैं उन्होंने ये बात लोगों से पूछी भी, वो जो लौटते हुए लोगों से उनसे ये पूछी भी कि जो क्या क्या दिक्कतें हो रही है, क्या क्या समस्याएं हो रही है, क्या आप वापस फिर से काम पर जाएंगे? लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो लोग हैं जो आज प्रताड़ित हैं, जो लोग इस कदर स्थिति में पड़े हैं कि उनको हजारों किलोमीटर पैदल छोटे छोटे बच्चों के साथ जाना पड़ रहा है, ये लोग कितने दिनों तक इस परिस्थिति को याद रख पाएंगे? क्योंकि ये होता यह है कि जब इलेक्शन आते हैं ये सब कुछ लोग भूल जाते हैं। 500 रुपए 1000 रुपए बहुत ज्यादा कीमत नहीं होती मतों की। जी बताएं। मैं वही कह रहा हूं ना कि इन लोगों को समझना है कि आज आप ही देख रहे हैं कि आप लोगों ने जो किया उसके कारण आपके छोटे बच्चे रोड पर चल रहे हैं। अब इन्हीं लोगों को संगठित होकर अपनी सरकार और अपना नेतृत्व बड़ा करना चाहिए। जी जी टाइम उनको बोल देना चाहिए कि आपके 500 रुपये आपके 1000 आपके 2000 रखो आपके पास, हमने देख लिए कोरोना में आपने हमारे साथ किया है, हमें आपको वोट नहीं देना है। एक बार ये वर्ग ये बोल दे कि हमें आपको वोट नहीं देना है, आपके पैसे नहीं चाहिए, तब ये मूढ़िवादी लोग जो है कैपिटलिस्ट ये समझ जाएंगे कि अब इनके वोट हम खरीद नहीं सकते। जब इनके वोट बिकना बंद हो गए तब सही मायने में गरीबों की सरकार इस देश में आ सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी मुकुल की तरफ जा रहा हूँ लेकिन उससे पहले एक सवाल आप दोनों के लिए, जाधव जी आपके लिए भी और आपके लिए परमार जी, के बहुत ज्यादा जो उद्योगपति हैं जिनके लिए जिनके हित में कानून बना दिया गया है
वो आपके गुजरात और महाराष्ट्र में, और सारे जो मजदूर लौट रहे हैं वो आपके गुजरात और महाराष्ट्र से ही अपने अपने घरों की ओर हो रहे हैं, वापिस जा रहे हैं। क्या 20-25 दिन की बात थी या 1-2 महीने की बात थी, जिन लोगों को इन्हीं मजदूरों ने धनवान बना दिया, जिन मिल मालिकों को या जिन फैक्ट्री मालिकों को, वो मालिक क्या इनको 1-2 महीने नहीं पाल सकते थे? इस सवाल को मैं आपसे जानूंगा। लेकिन इस वक्त मुकुल, आप ये बताएं मुकुल कि आपको क्या लगता है कि जो युवा है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे युवा भी हैं उन लोगों में जो लौट के आ रहे हैं, क्या अब उन लोगों के बीच जाकर काम करने की आवश्यकता आपको महसूस नहीं होती? क्योंकि अब तो जीवन मरण का प्रश्न है, अब तो वो स्थितियां हैं कि जो लोग लौट कर आएंगे उनके हाथों में काम नहीं होगा, और वो वापस यहाँ से गए भी इसीलिए थे क्योंकि गांव में काम नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो क्या स्थिति लगती, जबकि यहाँ तो क्वारंटाइन भी शौचालय में किया जाता है? सर, आपने बाबा साहब का एक कोटेशन पढ़ा होगा जिसमें बाबा साहब आह्वान करते हैं अपने समाज को कि शहर की तरफ जाओ, तो जो मौजूदा सरकार है उसे मजबूर कर दिया है लोगों को कि फिर से अपने गांव में, ताकि वो अशिक्षित रहे, संपन्नहीन रहे, साधनहीन रहे, और जब आदमी अशिक्षित होगा, साधनहीन होगा, तो वो इन्हीं की तारों पर चलेगा और इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेगा। लोगों के हमें विचार बताएंगे कि जहां भी आप जाए बाबा साहब के मिशन के अनुसार शहर की तरफ जाए, शहर की तरफ अपना ठिकाना बनाए, और इस देश में जो अंबेडकरवादी ताकतें हैं, जो अंबेडकरवादी विचारधारा है, उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम लोग प्रचारित करें, और इस जो सरकार, जिस सरकार हम एक आह्वान कर रहे हैं कि जो जूते चप्पल आपके फटे हुए हुए वो संभाल कर रखना, ताकि चुनाव में आए तो हम इन लोगों को वापस लौटाए। और हाल ही में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता आप देखिए, वो आदेश जारी करती है कि भैया मध्य प्रदेश के जो कर्मकांडी पंडित है उन्हें सरकार 8 करोड़ रुपए की राहत पैकेज देगी। भैया जब छोटे दुकानदारों के रोजगार बंद है, नाइयों के सैलून बंद है, चर्मकार लोगों की फुट पॉलिश की दुकानें बंद है, छोटे जो कर्मकार लोग हैं उनकी जगह कर्मकांडी ब्राह्मणों को आप पैसा दे रहे हो, मतलब आप जो सत्ता का धर्म निरपेक्ष चेहरा है उसको कलंकित कर रहे हो। नैतिक दायित्व बनता है कि आप बौद्ध भिक्षुओं के लिए पैकेज जारी करें, आप जैन साधकों के लिए पैकेज जारी करें, आप मस्जिदों के मौलवियों के लिए पैकेज जारी करें, चर्च के पादरियों के लिए पैकेज जारी करें, ताकि मध्य प्रदेश का जो धर्म निरपेक्ष चेहरा है वो जग में सबके सामने सही रहे। ये बड़ी अजीब स्थिति है वाकई। आपने ये आपने जो बात कही है, खराब कर रहे हैं, आपने जो बात कही है कि नाई धोबी खोमचे वाले रेडी वाले तमाम मोची और सभी लोगों के काम बंद है, लेकिन इनके लिए वो डिमांड जिसने की है, या आपने जो बात उठाई है कि जो इस वक्त पुजारियों के लिए जो पैकेज जारी करने की जो बात हुई है, उसमें जो अनुरोध किया है वो अनुरोध आखिर किसने किया है? अनुरोध किया है पूर्व सीएम ने, जो कि कांग्रेस पार्टी के थे, पूर्व सीएम उन्होंने अनुरोध किया है इसके लिए, और अनुरोध वर्तमान सीएम से किया, और उसके बाद उन्होंने ये बात मान भी ली। तो क्या आपको लगता है कि ये जो नेता हैं या जो जिन्हें हम अभी इस वक्त मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं या इसके पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री, ये लोग डिमांड भी किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों का दबाव इसमें क्यों नहीं आ रहा है कि उन तक भी? सर, मेरा मानना ऐसा, मेरा मानना सर ये है कि यदि किसी एक पक्ष ने आपसे डिमांड की है तो आप पूरे 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के प्रति, जी 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 जी, आपका नैतिक दायित्व है या आपको देखना है कि किसी जरूरत है जो मजदूरों को मदद पहुंची होगी वो जाहिर बात है कि मंदिर के पुजारियों तक भी पहुंची होगी, फिर अलग से क्यों? और जब यदि आप किसी धर्म विशेष के लिए पैकेज जारी कर रहे हैं तो ये आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप दूसरे धर्मों के लिए भी पैकेज जारी करें। निश्चित रूप से सभी के लिए पैकेज जारी होना चाहिए, लेकिन उसमें प्रमुखता किसके लिए होनी चाहिए? प्रमुखता हम अगर देख रहे हैं कि बौद्ध, आपने आपने कहा कि बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी पैकेज जारी होने चाहिए या मुस्लिम के धर्म गुरुओं के लिए भी होनी चाहिए, लेकिन हम इन दोनों धर्मों के धर्म गुरुओं को तो लोगों की मदद करते हुए देख रहे हैं, वो सारे लोग जो हैं इस वक्त लोगों की मदद में शामिल हैं,
तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी स्थिति में जो लोग वाकई इस वक्त काम कर रहे हैं, फील्ड पर काम कर रहे हैं, लोगों की मदद करने के लिए जा रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि इन धर्म गुरुओं के लिए मदद जारी करने के बजाय उस पर काम होना चाहिए कि लोगों को सारी सुविधाएं मिले, डॉक्टर्स को जो सुरक्षा की सुविधाएं मिले, या फिर आम लोगों को, उन लोगों को जिनकी रोजी रोजगारी। माननीय राजरत्न अम्बेडकर साहब के दिशा निर्देशों पर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि भैया लॉकडाउन के दौरान जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी स्थिति ज्यादा दयनीय है, आप उनके लिए राशन सामग्री या राहत सामग्री उपलब्ध कराए, जिसको सरकार मानकर सभी दलित बस्तियों में बहुजन बस्तियों में राशन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। हमारा भी और प्लस हमने मांग की कि दुर्घटना और ट्रेन दुर्घटना में जो मजदूर परिवार ने अपने जो मुखिया को खोया है उन्हें नौकरी की व्यवस्था की जाए और उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराया जाए, ऐसा पत्र हमने सीएम साहब को पहुंचाया है। और जैसा ही यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम सड़क पर आकर आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब के विचारों का संगठन है और बाबा साहब के विचारों के अनुरूप देश के हर नागरिक को अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इस वक्त तो सारे लोग खुश है, सारे लोग खुश नजर आ रहे हैं ना, टीवी पर जो खबरें आ रही हैं बहुत खुश हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया गया है। ये जब आप डिमांड करेंगे तो आपसे तो यही बात कही जाएगी कि आपको तो दे दिया गया। अब आप कोरोना के माध्यम से अपने मनमाने मनगढ़ंत नियम बनाने का अवसर मिल रहा है, जिन्हें सरकार बनाने के अवसर मिल रहे है, जिन्हें संविधान में बदलने के अवसर मिल रहे है, जो लोग इनडायरेक्टली कोरोना का जो बजट है उसे निजी कंपनियों के माध्यम से, निजी प्राइवेट फर्मों के माध्यम से खर्च कर इनडायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर आकर विरोध करने वाला तो कोई है ही नहीं कोरोना के माध्यम से। तो ये जो कोरोना महामारी है वो बीजेपी के लिए एक अवसर बन रही है जिसमें वो अपने आप को पूरा फायदा लेना चाहती है। जी जी, निश्चित रूप से। परमार साहब, मैंने जो आपके लिए सवाल छोड़ा था कि कुछ दिनों की बात थी और कुछ दिनों के लिए ही अगर आप व्यवस्था कर देते, जो उद्योगपति हैं वो व्यवस्था कर देते, जो बड़े बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं अगर वो व्यवस्था कर देते, तो ये मजदूर जो हैं इतने 1200 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर से चलकर पैदल क्यों जाते हैं? क्या कहां समझने में कहां भूल हो? सही बात है, कुछ लोगों ने छोटे व्यापारियों ने जी व्यवस्था की है जी, लेकिन आप देखिए कि मनुवाद और मुड़ीवाद दोनों सिक्के की दो तरफ है जी। आप जितनी अपेक्षा मनुवाद से रख सकते हैं उतनी अपेक्षा आप मुड़ीवाद से रख सकते हैं। तो ये लोग तो शोषणखोर लोग हैं, ये नहीं मदद करेंगे। ये तो आप कर्नाटक की सरकार देखिए, कर्नाटक ने तो पूरा एरिया सील कर दिया कि किसी भी मजदूर को हम बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी फैक्ट्रियों का क्या होगा। तो मजदूर इनके लिए हथियार है, ये जी जी गुलाम है, गुलाम हथियार है। तो ये और दूसरी बात, अभी जो चली कि 8000 करोड़ पुजारियों के लिए जारी किए गए मध्य प्रदेश में सरकार ने। यस यस, तो आप सोचिए कि पहले जब इलेक्शन होता था तो पूरे एक इलाके का किसी एक गुंडे को पकड़ लेते थे, ये आपको कितना पैसा चाहिए, इन सब का वोट या तो नहीं हम डलना चाहिए या हमारे में डलना चाहिए। जी जी जी, अब ये सिस्टम बदल गई है। देश में हिंदूवाद इतना हावी होकर दिया है तो इन अब आप देखेंगे कि कुछ भी होगा, कोरोना खत्म हो जाने दीजिए आप, ये जो रोड पर लाइन में लगे हुए जो लोग गरीब लोग मर रहे हैं ना, वही लोग कोरोना खत्म होने के बाद इसी मंदिर में जाएंगे जी जी, इसी पुजारी के पास जाएंगे और ये पुजारी जो कहेगा वो करेंगे। बट बच्चे की बलि दे दो तो बच्चे की बलि दे देंगे, बकरे की बलि दे दो तो बकरे की बलि दे देंगे। तो पॉलिटिकली पॉलिटिकल पार्टियों को मालूम है कि पुजारी को पकड़ लो ये पुजारी नीचे के वोटर को पकड़ लेगी। तो एक पुजारी को पैसा दे दो ये पुजारी क्या करेगा, धर्म के नाम पर इन लोगों को वापिस खींच लेगा और न इनको हमें मदद करनी पड़ेगी और उनके वोट फ्री में मिल जाएंगे। इसीलिए सोचने की जरूरत इन गरीब लोगों को है कि हमें न धर्म चाहिए
ना आपका हिंदुत्व चाहिए, हमें चाहिए पेट भरने के लिए पैसा, नौकरी और शिक्षण और आरोग्य। जी इस बात को अगर जब तक ये गरीब लोग नहीं पकड़ेंगे तब तक इनका शोषण होता रहेगा। नहीं, ये तो पॉलिसी बहुत पुरानी है, पहले भी गुलाम बनाया जाता था, पहले भी गुलामों की तरह जो काम करवाया जाता था वो तरीका ही ये था। ये पॉलिसी कोई नई नहीं है, और जब अंग्रेज यहाँ पर थे तब जिनके माध्यम से शोषण होता था भारत में वो यही लोग हैं जिनके माध्यम से वो शोषण होता था। तो आपको क्या लगता नहीं कि एक तरफ जब ये क्रोनोलॉजी जैसा है, एक तरफ जब शुरुआत हो जाती है कि पहला काम उन्होंने ये किया कि मजदूरों के जो हित है उसको कानून के माध्यम से खत्म कर दो, उसके बाद ये कह दिया कि अब सारी चीजों का निजीकरण कर दो, अब ये वापस एक बार फिर से निजी यानी कि उद्योगपतियों के हाथ में पूरा देश जा रहा है आपको लगता है? और इसके लिए, ऐसी स्थिति से बचने के लिए या इस स्थिति को रोकने के लिए क्या हम लोग कहीं से मानसिक रूप से तैयार हैं, या हम लोगों का आंदोलन सिर्फ अपने आरक्षण पर या उस शब्द तक ही सीमित रह गया, जबकि हम जानते हैं कि निजीकरण से वैसे ही सब कुछ खत्म हो जाना है? निजीकरण का मतलब है मनुवाद जी, निजीकरण का मतलब आएगा मनुस्मृति। जो मनुस्मृति जो कर रही थी जी, उस समय में मनुस्मृति के शासन में जो हो रहा था वही अभी हो रहा है। आप देखिए रोड पर जो जा रहे हैं उनको किसी ने अगर खाना खिला दिया तो पुलिस पकड़ कर ले जाती है, किसी ने उनकी हेल्प कर दी तो संस्था वालों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। यानी आप हेल्प हम भी नहीं करेंगे आप भी मत करो। जी हाँ जी हाँ जी, दूसरी बात आपने जो कही कि हमारा आंदोलन आरक्षण के इर्द गिर्द ही रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। हमारा आंदोलन हर क्षेत्र में खड़ा हो रहा है जी। आप देखिए कभी मुस्लिम पर अत्याचार होता है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इकट्ठा आंदोलन नहीं कर सकते। जी 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 जी, आंदोलन तो कर रहे हैं लेकिन इकट्ठा आंदोलन नहीं कर रहे। अगर इकट्ठा आंदोलन, आज राजरत्न जी अगर आ गए होते तो हम उनको बड़ी जिम्मेवारी दे सकते थे, वो कह सकते थे, विनंती भी कर सकते थे कि आप देश में ये जिम्मेवारी लो हम आपके साथ है, लेकिन आज वो नहीं हो सके ऑनलाइन। हमें एक नेता, सोशल नेता खड़ा करने की जरूरत है। जो राजरत्न जी बोल रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता हूँ, मुझे सामाजिक काम करना है, तो इस तरह के जो लोग हैं जी, इन लोगों में से कोई एक नेता को हमें बड़ा करना पड़ेगा जिसके नेतृत्व में हम लड़ेंगे। आप ही के मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम में मैंने बोला था जी, जो मनुवादी लोग है वो नागपुर के आरएसएस से ऑर्डर मानते हैं, हमें राजगृह से ऑर्डर मानना चाहिए जी। राजगृह से हमें जो बात आई कि ये करना है तो हमें ये करना है, फिर उसके ऊपर हमें कोई सवाल नहीं करने चाहिए। अंबेडकर साहब के परिवार ने किसी ने भी हमें ये कह दिया कि हमें ये करना है तो करना है, बस बात खत्म। बिल्कुल, तो जब तक हम एक नेतृत्व में काम नहीं करेंगे तब तक हमारी ये परिस्थिति रहेगी। नहीं, वैसे भी अगर देखा जाए तो स्थितियां अब तो हाथ से निकल चुकी हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो लॉकडाउन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लॉकडाउन के बढ़ने का अर्थ ये भी है कि आप किसी प्रकार का कोई आंदोलन या किसी प्रकार की कोई चीजें आप सामाजिक जागरूकता का कर नहीं सकते, एक तरह से इमरजेंसी भी है। क्या आपको लगता नहीं जहां एक तरफ शराब की दुकानें खोल दी गई हैं और उसको पूरी तरह से चलने के लिए छोड़ दिया गया है, वहां पे शिक्षा की जो शिक्षा के जो क्षेत्र हैं उन्हें बंद रखा गया है और साथ ही लॉकडाउन जो है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में ये जो शैक्षिक ये आंदोलन है या फिर जो जागरूकता के आंदोलन है या फिर जो तमाम लोगों के अधिकारों की का आंदोलन है, ये कैसे अपनी बात कह पाएगा? क्योंकि लॉकडाउन के आड़ में ये तो पहले ही दबे हुए हैं। दूसरी बात, जो डर है बीमारी का वो तो वैसे भी सबके मन में घर कर चुका है, लोग नियमों का पालन बिल्कुल कर ही रहे हैं, ऐसे स्थितियां कहाँ लेकर जाएंगे? अब जाधव जी आप भी कुछ बताएं कि क्या आपको लगता नहीं कि जिस जो स्थिति महाराष्ट्र में इस वक्त हो गई है, लोग महाराष्ट्र को छोड़ के अपने अपने घरों में जा चुके हैं, वो लोग जो काम कर रहे थे वहां पे, वही लोग जिन्होंने उद्योगों को वहां पर बढ़ाया था, वही लोग आज घर में हैं, उनके पास वहां पर भी कोई काम नहीं है, और आंदोलनकारी जो नेता है या आंदोलनकार को जो नेतृत्व देते हैं वो लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घर में हैं,
और ऐसे में जब सब कुछ बंद है, शराब की दुकानें खुली हैं, शिक्षा का जो के जो क्षेत्र हैं वो बंद हैं, तो ऐसे में लगता है कि आंदोलन कहीं पर सही ढंग से रूप ले पाएगा, क्योंकि निजीकरण के माध्यम से एक बार फिर से सामंतवाद आ चुका है। देखिए, ये कोरोना एक आपदा, आपदा तो ये मजदूर लोगों के लिए, ये अभी मजदूर है, अगर ये कोरोना का ये सब चला जाएगा तो ये सारे मजदूर बाद में हिंदू बन जाएंगे। जी, अभी फिलहाल ये प्रताड़ित है तो ये मजदूर है। जी जी, और बाद में अगर ये कोरोना का कहर खत्म होता है तो ये हिंदू बन जाएंगे, तभी इनको यूज किया जाएगा वोटिंग के लिए। अभी फिलहाल आपदा में है, मजदूर है, तो आप पैदल चले जाओ, आपको यहाँ पे रहने के लिए कोई दे, यानी कि रेशन देगा नहीं, कोई मदद करेगा नहीं, ये हो रहा है। हाँ, क्योंकि क्या है, अभी बालाजी का मंदिर है, उनके कुछ करोड़ कई करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में है, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पुजारियों को पैसा देने के, पेमेंट देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। जी, मतलब जो फिक्स में रखा है वो तो नहीं हम खर्च निकालने वाले, लेकिन सरकार से वो पैसा मिले, 2 लाख कितना, 80 करोड़ कितना बोल रहे है, तो यहाँ जो आपदा में है उनको कहाँ मिल रहे है, ये अमाउंट नहीं मिल रही है। और ये जो कोरोना का कहर, ये लोग अवसर ढूंढने के लिए ही कोरोना का भूत इतना ज्यादा आपके सर पे चढ़ा के रखा है, सुबह से लेके आप टीवी खोल दो तो रात तक वो है। बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों को कोई भी बीमारी है तो उनको वो अफेक्ट करेगा, बाकी बाकी जन की आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है उनको अफेक्ट नहीं करेगा वो, अगर आप सावधानी बरतते हो, बार बार हैंड वॉश करते हो, सफाई रखते हो, उनको नहीं होगा। पर इनको अवसर ढूंढना है, इसलिए ये कोरोना को बहुत बड़ा ये दे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे जी। अभी तो बीच में केंद्रीय मंत्री कोई बोला कि 2,000 रुपए हम अकाउंट में डाल रहे हैं, और यहाँ से अगर गुजरात से जाना है, मध्य प्रदेश या यूपी बिहार जाना है, तो 4,000 रुपए एक का टिकट ले रहे, उनको ट्रेन भी नहीं मिल रही है, जो प्राइवेट व्हीकल मिलेगा या ट्रकों में कोम्बा जाएगा उनको 4,000 रुपए एक का ले रहे, ये 2,000 कब तक इन लोगों को ये होगा, कितने दिन पुरने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कितने दिन पुरने वाला है। जी जी जी, तो ऐसे में आपको जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जादव जी? नहीं बोलिए। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त उन नेताओं के ऊपर आ जाती है, जैसे अपने परमार जी हैं, उदित राज जी हैं, आप हैं, मुकुल हैं, ये सभी लोग, या राजदत्त जी हैं, इन सभी लोगों पर अब फिर से बड़ी जिम्मेदारी है जो इस आंदोलन को उठाएं, सही जगह तक पहुंचाएं, लोगों तक बात पहुंचाएं, क्योंकि जो स्थापित मीडिया है वो आपका साथ नहीं देगा, और अभी भी नहीं देगा, आगे भी नहीं देगा। इस वक्त जो कुछ भी है वो आपका यही मीडिया है जो आप तक, आपकी बात लोगों तक पहुंचाएगा। इसको सशक्त करते हुए, इसको आगे बढ़ाते हुए, क्या आपको लगता नहीं कि एक बार फिर लोगों में जन क्रांति के लिए फिर से आवाज बुलंद करने के लिए, लोगों में एक विश्वास जगाने के लिए, क्योंकि नेताओं के प्रति लोगों में विश्वास भी खत्म हुए हैं, ऐसे में लोगों में विश्वास जगाने के लिए कि हम आपकी बात, या हम सब की बात है, क्योंकि सिर्फ आपकी नहीं हम सब की बात है, इसको हम सही जगह तक पहुंचाएंगे, आपको लगता नहीं कि एक बार फिर से प्रयास की आवश्यकता है, और कठिन है लेकिन फिर भी एक अच्छे तरह से प्रयास करने की आवश्यकता, ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए राजरत्न अम्बेडकर जी राजनीति में न जाते हुए ये जो समाज की मानसिकता है कि आप अलग अलग वक्त में कैसे चेंजेस होते हो, अभी आपदा में हो तो आप मजदूर हो, अगर ये आपदा खत्म हो जाएगी तो आप हिंदू बन जाओगे, फिर आपकी वोटिंग बैंक चालू हो जाएगी, तो यही प्रचार प्रसार कर रहे हैं राजरत्न अम्बेडकर जी कि आपको आपकी खुद की प्रबोधन कैसे करनी है, आप खुद प्रबोधित हो जाओ और आपके आजू बाजू में प्रबोधन करो, राजनीति ये अलग है, पर पहले समाज क्रांति होनी चाहिए, समाज अगर सशक्त तो हो जाए और वैचारिक रूप से वो ये विचार कर सके कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है, जी 2,000 रुपए ले रहे, 5,000 रुपए लेके ये वोट किधर जा रहा है, और बाद में
जो व्यक्ति चुन के आ जाएगी, बाद में वो 2,000-5,000 जो दिए हुए है उसके डबल ट्रिपल गुना कैसे वो समाज से ही वसूल करता है। तो ये पहले समाज को सुशिक्षित करना पड़ेगा, समाज की मानसिकता बदलनी होगी। तो इस पे राजरत्न जी काम कर रहे हैं, हम उनके साथ है, मुकुल जी उन्हीं के साथ उसी तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दो दिन में काम होने वाला है नहीं। इसके लिए आपकी डिवोशन भी चाहिए, जिस तरह के से परमार जी भी अभी बता रहे थे कि राजरत्न जी पॉलिटिक्स में आएंगे, तो ये हमारी कहीं तो राजरत्न जी ये विश्वास समाज में पैदा करने में यशस्वी है कि कोई आगे जाने के लिए पॉलिटिक्स ही जरिया हो नहीं सकता। ओके, पॉलिटिक्स ही कर रहा नहीं, ऐसा क्यों नहीं है ना, ऐसा क्यों मानते हैं? मैं परमार जी आपसे भी जानना चाहूंगा, मुकुल आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि संसद के बाहर रहकर भी कुछ तरह से सरकार को प्रभावित किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि बिना राजनीति के भारत में तमाम जो चीजें हैं वो बिना राजनीति के राजनीति से अप्रभावी रह सकती है? बिना राजनीति के तो कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम राजनीति से दूर रहने का प्रण अगर कर रहे हैं तो समाज को सिर्फ जागरूक करने की अगर बात है तो आपके हाथ में क्या है इस वक्त? क्योंकि ईवीएम है जो आपका मत देने का अधिकार है, वो भी तो अब आपके पास से छीन लिया गया है ईवीएम के माध्यम से। ऐसे में संसद में जाकर सबसे पहले तो आपके आपके जो वोट देने का अधिकार है उसको वापिस लेना पड़ेगा, क्या आपको लगता नहीं है? क्या कहना चाहेंगे इस पर मुकुल और परमार जी? जी मुकुल, कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूंगा, बाबा साहब का एक कथन है कि सामाजिक क्रांति के बगैर राजनीतिक क्रांति अधूरी है। जी बाबा साहब ने सोच और विचार के बाद ये आप लोगों को बताया, और माननीय राजरत्न अम्बेडकर साहब के हम उसी ओर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब समाज आकर होगा, समाज को अपने भले बुरे का ज्ञात होगा, समाज को अपने अधिकारों की जानकारी होगी, समाज को अपने वोट का अधिकार पता होगा, तब जाके वो योग्य लोगों को संसद में भेजेगा, विधायिका में भेजेगा। जो लोग जागरूक समाज के द्वारा संसद और विधायिका में भेजे जाएंगे वो उन्हीं लोगों की बात करेंगे। तो हमारा मेन मोटिव है कि हम सामाजिक क्रांति के लिए काम कर रहे हैं। राजनीतिक भावो क्रांति अपनी जगह पर राजनीतिक क्रांति के लिए सामाजिक क्रांति करना पड़ेगी, और उस दिशा में माननीय राजनीतिक साहब के दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं। और इस बात को भी हम नहीं भूले कि बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर, राजनीतिक हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो उस ताकत तक पहुंचने के लिए हमें योग्य लोग तैयार करना है, और योग्य लोग तैयार करने के लिए हमें सामाजिक कार्यकर्ता को एक रूप में पिरोना है, सामाजिक रूप से लोगों को संगठित करना है, सामाजिक रूप से लोगों को जागृत करना है, और अपने अधिकारों को प्रति सचेत करना है। मैं नहीं कहना चाहूंगा जी। परमार जी क्या कहना चाहेंगे? दोनों जरूरी है, सामाजिक भी जरूरी है और पॉलिटिकली भी जरूरी है। लेकिन कितना वक्त बचा है, कितना वक्त बचा है आपके पास? इस वक्त ये जो स्थितियां पैदा हुई हैं, इसमें कितना वक्त आप पाते हैं कि ये तमाम चीजों के लिए अब वक्त बचा है? यही वक्त आया है जी। अभी जो हम जो कर रहे हैं ना, यानी पूरे भारत में जो हमारी समाज कर रही है, यही वक्त है। जब आप देख लीजिए, जब जब हमको कुछ मिल गया है तब तक हम चुप बैठ गए, लेकिन जब हमको नहीं मिला है तब हम रोड पर आंदोलन में आए। जी 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 जी। आप SC/ST एक्ट को देख लीजिए, SC/ST एक्ट में हम पुलिस वाले किसी को पकड़ नहीं रहे। आप किसी भी स्टेट में देखेंगे एट्रोसिटीज होती है, पुलिस वाले केस भी नहीं कर रहे। जी, हम सब चुप बैठे थे, हम सब चुप बैठे थे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट इस तरह से नहीं लगेगा, सब रोड पर आ गए। जी, हम लोग इस तरह के लोग हैं कि जब हमारा कुछ छीनता है तब हम इकट्ठा होते हैं, जब हमारे पास कुछ होता है तब हम इकट्ठा नहीं होते। तो अभी ये छीन रहा है, छीना जा रहा है। तो मुझे आई होप कि अब जो आंदोलन चलेगा ना वो आखिरी आंदोलन होगा। जी, और होंगे, लेकिन असमानता का ये मुझे लग रहा है कि असमानता का ये आखिरी आंदोलन होगा। या तो वो लोग हावी हो जाएंगे हम पर, या हम इन पर हावी हो जाएंगे।
ये दो ही रास्ता निकलेगा। अभी तक जो चल रहा था ना वो बीच का रास्ता चल रहा था, पूरे दिन में रात को थोड़ा खाना मिल जाता था, हम खुश होते थे। ये सब चला बहुत लंबे समय तक चला, आप समझ गए होंगे। जी जी जी। लेकिन जी, अभी जो आए ना, अभी जो लोग आए ना, उन लोगों ने तो पूरा हमारा खाना ही छीन लिया है। तो ये क्रांति की ओर जा रहे हैं हम। मुझे आशा है कि एक स्टेज ये आएगा कि एससी सिर्फ लीडर्स ही नहीं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लीडर्स एक स्टेज पर आएंगे और अपने अस्तित्व का बहुत बड़ा आंदोलन होगा। नहीं लेकिन आप, जी 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 बताएं बताएं। हाँ, और इस आंदोलन में 99% मुझे ये लग रहा है कि जो सत्ता अब आएगी इस देश में वो बहुजनों की सत्ता आएगी। जो सत्ता अब आएगी वो बहुजनों की सत्ता आएगी, आपका मानना है। लेकिन क्या आपको लगता है ये भक्ति काल जो चल रहा था अभी या अभी भी चल रहा है, सारे लोग भक्त बने हुए हैं, जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, मोदी जी जो भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये जो चला हुआ है, क्या आपको लगता है कि आम आदमी के दिल की बात है ये, क्या सिर्फ एक सिगुफा है जो नहर की तरह इसको चलाया गया है, क्या आपको लगता है? मैं आप तीनों से ये बात जानना चाहता हूँ कि ये इस लहर में या इस भक्ति काल में ये नए आंदोलन की संभावना है? ये भक्ति काल में ही नए आंदोलन की संभावना है। जी जी, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी देखिए दो विचारधारा आमने सामने आ गई है। भक्ति वाली जो विचारधारा है उन लोगों के पास पैसा है, सत्ता है, धन बल है, सब बल है उनके पास। और जो भक्ति के सामने वाली जो लोग हैं उनके पास सिर्फ लड़ने की हिम्मत है, लेकिन संख्या में वो लोग ज्यादा है। जी, भक्ति वाले, मैं ये देख रहा हूँ कि जो भक्ति वाले अंधभक्त जिनको बोल रहे हैं वो वास्तव में अंधभक्त नहीं है जी। वो कट्टरवादी लोग है। जी जी, देश का अर्थतंत्र गिर रहा है उसको मालूम है, पेट्रोल के भाव विश्व के बाजार में कम है लेकिन भारत की सरकार ज्यादा ले रही है उनको मालूम है, जीएसटी में सबको खत्म कर दिया वो उनको मालूम है, नोटबंदी में सबको खत्म कर दिया वो उनको मालूम है। तो इनको ये सब मालूम है, देश इकोनॉमिकली डाउन हो रहा है वो भी उनको मालूम है, लेकिन फिर भी वो अंधभक्त है। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं वो अंधभक्त नहीं है, वो कट्टरवादी लोग है कि ये सब हो रहा है लेकिन फिर भी ये सरकार मनुस्मृति का शासन लाना चाहती है, फिर भी ये सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है, ये 100% सही है, इसलिए ये लोग इनके साथ है। अंधभक्त तो एससी एसटी ओबीसी के लोग है जी, जिनको मालूम है कि ये हमें खत्म कर रहे हैं फिर भी वो उनके साथ। वाकई तो ये स्थिति कहीं पर बदलने की संभावना, मुकुल और जादव जी आप बताएं कि ये जो भक्ति काल है ये कहीं पर खत्म होने की स्थिति आपको नजर आती है, खासतौर से जो अभी परमार साहब ने कहा एससी एसटी के लोगों के अंदर में ये बहुत सारे भक्त हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये भक्ति कब खत्म होगी, या ये कहें कि हम आंखों पर बंधी हुई पट्टी कब उतरेगी? क्या अभी इस परिस्थिति में जो अभी बहुत बुरी स्थिति आई है इसमें उतर गई या उतरेगी, अभी बचे हैं? जादव जी, ये अंधभक्त की पट्टी तो नहीं उतरेगी क्योंकि ये लोग सब जो भी आप देखोगे ये भक्त लोग है, ये सारे आरएसएस के शाखाओं से उत्पादन हुए ये प्रोडक्ट है जो भी अंधभक्त है जी। तो ये जैसे परमार जी ने कहा इनको सब पता है किस ओर चल रहा है, कहाँ पे भारत की विकसनशीलता खो रही है, बट वो लोग कैसा, उन लोग को काम करना है उस टैग लाइन पे जो संविधान ये लोग चाहते नहीं है कि यहाँ पे मौजूद रहे, उनका खुद का संविधान रेडी है। तो ये कैसा कि वो मनुस्मृति लाने की जो कदार पे है अभी वैसे ही हो रहा है ना, ये कोरोना के आड़ में श्रमिकों के आप अभी देखोगे तो आप उनके संघ नहीं बना सकते हो, फिर उनके 8 आवर्स से 12 आवर्स का बनाया गया है, कामगार संगठन आप नहीं बना सकते, मतलब आप आंदोलन नहीं कर सकते, आपको करना है काम तो करो या फिर घर पे भूखे रहो। जी जी जी, ये सबको पता है, पर ये अंधभक्त ये टैगलाइन जो है ये कम नहीं होंगे क्योंकि वो लोग कट्टरतावादी है, उन लोग को
पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं, लेकिन जो प्रताड़ित है, लेकिन जो प्रताड़ित है, जो पीड़ित है, ये लोग भी कहीं से आपको लगता है कि इनकी इनकी आंखें अभी खुली है सर। जी जी, इनकी आंखें खुली है। ये लोग जो भी इनको अभी ये पता चल रहा है कि जैसे हम मजदूर है तो हमें अभी कुछ नहीं मिल रहा है, और जैसे ये खत्म होता है तो ये लोग कैसे हमारे घर पे आते हैं, वोट के लिए 1,000-2,000 रुपए दे देते हैं, पैर पड़ते हैं और वोट के लिए आगे पीछे घूमते हैं। अभी ये इतने मुसीबत में है तो उनके आगे पीछे कोई नहीं आ रहा है। ताकि मध्य प्रदेश की सरकार जो उनके वहां के लोग है उनके लिए कुछ कर रही है, न कोई गुजरात की कर रही है, न महाराष्ट्र की कर रही है। जी जी, जो मजदूर है वो श्रमिक वर्ग है, वो श्रमिक ही है, तो इनकी आंखें अभी खुलेंगी कि उनका यूज कैसे किया जाता है। जी, आपको लगता है कि आंखें खुलेंगी? मुकुल, ये बताएं कि आपको क्या लगता है, मुकुल ये आंखें खुल पाएंगी? क्योंकि जब ये स्थिति है कि जो तमाम पैकेज हैं बहुत लुभावने तरीके से वो पहुंचाए जा रहे हैं लोगों तक, ये बताया जा रहा है कि बहुत सारा पैसा मिल रहा है, ये बात उसी 15 लाख वाली जो बात 15 लाख जो जिस तरह से उस लुभावने वादे का असर हुआ था, अभी भी उस तरह से रोज नए नए लुभावने वादे, रोज नए नए पैकेज की बात कही जा रही है, इतना मिल रहा उतना मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि ये जो आंख खुली है ये उतने दिन तक खुली रहेगी या फिर से ये पैकेजेस से चौंधिया जाएगी? क्या बोलते हैं आपको, क्या ये स्थितियां बनी रहेंगी? आपको लगता है कि लोगों की अंधभक्ति खत्म होगी, खासतौर से पीड़ित वर्ग की? जैसे भक्ति काल का अंत करने के लिए अंबेडकर वाद को फैलाना होगा, जितने तेजी से अंबेडकर वाद फैलेगा उतनी तेजी से भक्ति काल लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए उनके दिमाग पर, उनके दिल पर अंबेडकर की सोच को पहुंचाना पड़ेगा, अंबेडकर फिलॉसफी को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इस देश से भक्ति काल की समाप्ति हो पाए। जो रोज लोग लुभावने में वादे इनके द्वारा किया जा रहा है, 1,000 करोड़ का बजट द्वारा किया जा रहा है, आप अगर इन बजट को ये लोग देते हैं तो अभी जो सड़क दुर्घटना में मध्य प्रदेश में जो लोग घायल है उनके लिए मात्र 1,00,000 रुपए की सहायता प्रदेश सरकार ने करी है। क्या 1,00,000 की सहायता उस मजदूर के परिवार के लिए जीवन यापन के लिए काफी है? औरंगाबाद में जो मजदूर मर रहे है ट्रेन दुर्घटना में, उनका निधन हुआ है, उनके परिवारों को 5-5 लाख की घोषणा, तो क्या सरकार को इतनी संवेदनशील नहीं है, या सरकार को ये नहीं लगता कि इन परिवार का जो मुखिया था जो रोज उनकी रोजी रोटी कमा कर लाता था वो नहीं है, तो उस परिवार के लिए पुनर्वास की व्यवस्था हो, उस परिवार के लिए रोजगार की व्यवस्था हो? पर मध्य प्रदेश की सरकार इस सबसे परे हटके पंडितों की देखरेख में लगी हुई है, तो मंत्रियों को कैसे बनाया जाए, आने वाले उपचुनाव में हम कैसे फिर से अपनी सत्ता हासिल करें, इसकी ओर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और परिणाम आप देख सकते हैं कि इंदौर के हालात भी कोरोना के मामले में बहुत अच्छे नहीं, इंदौर भी बहुत ज्यादा संक्रमितों की संख्या में गिना जा रहा है। तो टोटली मेरा एक मानना है, मेरे साथ आप जैसे अनुभवी लोग हैं, आप सुधीर सर आप भी काफी अनुभवी है, जनमत प्रोग्राम लॉर्ड बुद्धा के माध्यम से आपने काफी अंबेडकरी मिशन के लिए काम किया है, परमार साहब ने तो अंबेडकरी मिशन के लिए और अपने समाज के लिए विधायक जी से इस्तीफा दिया है, और राजरत्न साहब और अपने जाधव साहब पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, तो मैं तो एक अदना सा आप लोगों का कार्यकर्ता हूँ, अंबेडकर वाद को फैलाएंगे हम ताकि भक्तिवाद समाप्त हो जाए। जी, अंबेडकर वाद अगर बढ़ेगा तो भक्तिवाद खत्म हो जाएगा, आप मानते हैं परमार साहब? आपकी हेलो, हाँ परमार साहब बताएं जी, आपको लगता है कि अंबेडकर जी? हाँ, पहले तो थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन अंबेडकर वादियों को जो करना चाहिए था वो काम नहीं किया है। जो बाबा साहब के फॉलोअर्स है वो जानबूझकर नहीं किया, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं रण आज भी आपको मैं हेलो बोले बोले आज भी ओबीसी के ज्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं है कि वो रिजर्वेशन में आते हैं। जी ठीक है, तो हमें पहले हमें जो करना चाहिए, आज क्या हो रहा है आपको बता दूं, पूरे भारत में ये बहुत बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, सम्मेलन में बुद्धिजीवी इकट्ठा हो रहे हैं अनुसूचित जाति के, तो
अगर मैं अभी हम ही चर्चा कर रहे हैं उसमें मैं अभी आपको बताऊंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने वो किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अपने बच्चों की बलिदान देकर हमारे लिए लड़े हैं, तो वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है जी। बाबा साहब ने समाज के लिए क्या कुर्बानियां दी है वो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। तो बार बार मुझे आपको सुनाने की और आप मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। हमें ये बात कहनी है ओबीसी को, हमें ये बात कहनी है गांव के गरीब दलित को। मैं आपके मुंबई की बात कर रहा हूँ, मैं मेरी शादी मुंबई में हुई है। तो मुंबई में जो गुजराती दलित लोग है 99% को मालूम नहीं कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया है। जी जी जी, उनकी संख्या करीबन 16 लाख के आसपास है मुंबई में। तो वो जो मराठी बुद्ध है उनसे वो जुड़ी नहीं रहे, क्योंकि वो निकालते रामदेव पीर की यात्रा बहुत बड़ी निकालते हैं मुंबई में। तो उनको मालूम नहीं है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। जी जी, हमें अभी करने की ये जरूरत है, ये हम सबको निकल पड़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे शोषित समाज के लिए ये किया है, और आप देखिए कि उनका बलिदान आपके लिए भी इतना ही है जितना अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। तो जब तक ये बात नहीं चलेगी तब तक लोग ये समझेंगे नहीं। दूसरी बात, ये ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, वो ओबीसी समाज से आ रहे हैं। ओबीसी समाज इतना जल्दी बाबा साहब अम्बेडकर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। मुझे देश का मालूम नहीं है, लेकिन मुझे गुजरात में मालूम है कि कट्टर हिंदूवादी अगर सबसे ज्यादा कोई है तो गुजरात में ओबीसी है जी। बनिया ब्राह्मीण तो आपके घर में खाना भी खाएंगे, लेकिन ओबीसी के लोग नहीं खाएंगे। मैं उसकी ये गलती नहीं मान रहा हूँ, मैं उसकी ये ना समझ मान रहा हूँ, उसको मालूम नहीं है। तो एक्चुअली करने की जरूरत ये है कि ज्योतिबा, महात्मा ज्योतिबा फुले जो है वो ओबीसी समाज से आ रहे थे, तो हमें पहले ये काम करना चाहिए कि कम से कम पहले ओबीसी समाज के लोग ज्योतिबा, महात्मा ज्योतिबा फुले का स्वीकार किए। जब वो स्वीकार करेंगे तब वो उनको पढ़ेंगे, और जब महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ लिया समझ लो बाबा साहब को स्वीकार लिया, समझ लो बाबा साहब को स्वीकार लिया, तो फिर ये जो बहुजन की जो चैन है कहीं से कहीं टूट रही है वो एकदम एक सबके साथ जुड़ जाएगी जी। हमें अब आज भी हम लोग जो काम करना है हमें वो हम नहीं कर रहे हैं, आज की ये परिस्थिति नहीं। लेकिन अम्बेडकरी आंदोलन में अगर हम देखें तो एक जो पक्ष है वो हमेशा से तमाम आंदोलनों को खत्म करता रहा है, वो पक्ष है कि आप चाहे अखबार शुरू करें, आप चाहे टीवी चैनल शुरू करें, या आप कोई भी आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर जब बोझ किसी भी संस्था पर आर्थिक रूप से पड़ने लगता है तो वो आंदोलन या पत्रिका है, अखबार है, टीवी चैनल है, वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे में सूचना के माध्यम तो खत्म हो ही जाते हैं, आंदोलन भी खत्म हो जाते हैं जहां पर आर्थिक सहयोग। और आज की परिस्थिति अगर आप देखें तो जो इसके कर्ता धर्ता हैं, जिनके थोड़े बहुत छोटे मोटे उद्योग हुआ करते थे, छोटी मोटी फैक्ट्रीज होती थी, वो इस महामारी के दौरान तो खत्म हो चली है। दूसरे जो उसमें मजदूर वर्ग थे, जो छोटे मोटे नौकरी के पेशा होते थे, जो लोग किसी भी तरह से सहायता करते रहते थे, वो खुद अब हैंड टू माउथ हो गए हैं, उस स्थिति में पहुंच गए जहां पर गुलाम होता है। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी आर्थिक परिस्थिति में आप कहें या ऐसी सामाजिक परिस्थिति में, आपको इस आंदोलन के पुनः खड़े होने की जमीन कहाँ पर नजर आती है? क्या आपको लगता है कि लोग जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, या फिर जर्मनी का उदाहरण हमारे पास में है, तब ही परिवर्तन होता है, तब ही इस प्रकार की स्थिति आती है? जाधव जी क्या कहना चाहेंगे? जब ही आपके पास से सब कुछ छीन लिया जाता है तभी आदमी घर से बाहर निकलता है और उसके खिलाफ आवाज देता है। जैसे परमार जी ने कहा है कि ये ओबीसी समाज को जागरूक नहीं कर पाए वगैरह, नहीं ये सही बात है। इससे पहले जितने भी नेता होते, जितने भी ये थे, उन्होंने खाली अपनी कुर्सी संभाली है या अपनी राजनीति संभालने के चक्कर में प्रबोधन किया ही नहीं, ओबीसी समाज को पास लाए ही नहीं है जी। इवन इतना भी है, मुस्लिम है तो मुस्लिम का अलग से चलो। तो अभी कुछ ऐसे संगठनाएं भी है, जैसे राजरत्न अम्बेडकर जी भी उसी पे लाइन पे काम कर रहे हैं कि ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज, ये सारे समाज जितने भी है, एक की जो ब्राह्मणवाद मानने वाला समाज छोड़ के, और ब्राह्मण भी है अगर वो ब्राह्मणवाद को नहीं मानने वाला ब्राह्मण भी है, वो सारे एक हो जाए और ये लाइन ऑफ एक्शन पे काम करने के लिए तैयार हो जाए।
तो उस हिसाब से काम चल रहा है अभी, और इसके इसलिए मैंने पहले भी कहा था इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे मुकुल वाग ने कहा था, हाँ समय लगेगा। आपकी सामाजिक क्रांति जब भी होगी नहीं, समाज आपका सशक्त होगा नहीं, तो आपकी राजनीति असफल होगी जी। तो जी, इसके लिए समाज क्रांति पे भर दे हम लोग का है, और सबको एक लाने पे हम लोग। मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि वर्तमान परिस्थिति क्या इसकी इजाजत देती है, जब सब कुछ लोगों का आर्थिक रूप से लोग विपन्न हो चुके हैं, उद्योग धंधे जो थोड़े मोड़े थे जिसकी वजह से सहायता मिलती थी आंदोलनों को, वो भी खत्म होने की कगार पर है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं पर संभावना है? वक्त कम है, बहुत वक्त कम है। सॉरी मैं सुन नहीं पाया, बोलिए। वक्त बहुत कम है, जब लोगों के खुद के जो सहायता करने वाले थे उनके उद्योग धंधे बंद है, जो आंदोलनों को सहायता दिया करते थे वो खत्म हो गए हैं, और जो उस आंदोलन का मुख्य जो घटक है वो मजदूर है या आम लोग हैं, वो लोग विपन्न हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में कितना वक्त आपको मिल पाएगा, जो वो खत्म हो चुके हैं, सारा कुछ जब खत्म हो गया है, तो ऐसे में कितना वक्त मिल पाएगा? आपको क्या लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि वक्त की जरूरत है, समय की जरूरत है? शायद मेरी बात उन तक नहीं पहुंच पाई है। मुकुल आप बताएं। अब मैं ये कहना चाहूंगा सर कि हम अंबेडकर जी के फॉलोअर होने के साथ ही बौद्ध के अनुयायी, और बुद्धिज्म आशावाद को बताता है कि अपने आशावादी होना चाहिए। हमें वर्तमान की परिस्थिति परेशान होने की बजाय भविष्य की परवाह करना चाहिए जी। तो आज भले ठीक ना हो, लेकिन आने वाले का हम जो भी करेंगे, जो भी होगा ठीक होगा, उसके लिए हम प्रयत्नशील रहे, उसके लिए हम काम करें, ऐसी मेरी अभिलाषा जी। परमार साहब क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं हमें सफलता मिले। परमार साहब क्या कहना चाहेंगे? वक्त है हमारे पास। हाँ वक्त है, और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जब आंबेडकरी आंदोलन चला जब तब तब आप देख लीजिए कि हमारे पास कुछ नहीं था। लोग 200-200 किलोमीटर तक साइकिल लेकर जाते थे, किसी के पीछे बैठकर जाते थे, सिंग चना खा लेते थे। तब बहुत जोर से बाबा साहब का आंदोलन चला। जब हमारे पास गाड़ी आ गई, जब हमारे पास संपत्ति आ गई, तब ये आंदोलन खत्म हो गया जी। अब वापिस वही दौर आ गया हमारा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तब वापिस ये आंदोलन खड़ा होगा और अच्छी तरह खड़ा होगा। सिर्फ हमें ये करना है कि इस बार के आंदोलन में हम सबको इकट्ठा होकर एक जगह बैठकर प्लानिंग करके प्लानिंग के साथ आंदोलन चालू करना चाहिए, ताकि हम इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी निपटा सके और जीत सके जी। जल्दी से जल्दी निपटा सके और जीत सके, ये वाकई ये वक्त की जरूरत है, और इस वक्त फिर से एक बार उठ खड़े होने की जरूरत है। ये आज जिस विषय पर हमने चर्चा की वो विषय ये है कि जो कोरोना की जो आपदा है, कुछ लोगों के लिए आपदा है और कुछ लोगों के लिए अवसर भी है। सरकार जहां पर अपने हित में इसको अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रही है, वहां पर हम आंबेडकरी जो आंदोलन है जो कि शिथिल हो चला था, शांत हो गया था, उसके लिए भी उन आंदोलनकारियों के लिए भी या उन क्रोधाओं के लिए भी, उन नेताओं के लिए भी ये अवसर है कि एक बार फिर से लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं और एक बार फिर से उसको लोगों को सही दिशा में आंदोलन करने के लिए वापस फिर से खड़े कर सके, और वो भी किसी दल के माध्यम या दल पर निर्भर होकर नहीं, समाज का अपना खुद का स्वस्फूर्त आंदोलन खड़ा करने की एक आवश्यकता अब लगती है। आज आप लोगों ने इस विषय पर अपनी बात कही है। मुकुल अंत में कुछ कहना चाहते हो तो आप एक बार फिर आमंत्रित हैं। शायद जाधव जी हमसे यहाँ पर अभी कनेक्ट नहीं है। अंत इस चर्चा का हम यहाँ पर करेंगे और फिर से हम एक और कड़ी के रूप में जिस इस विचार को लेकर आएंगे कि जो आंदोलन है उसके लिए हम कितने तैयार हैं और क्या प्लानिंग हो सकती है। अब बहुत कुछ बदल जाएगा क्योंकि व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, बहुत सारे कानून खत्म होने के साथ साथ बहुत अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। ऐसे में हम आगे चलकर किस तरह से इसको गति देंगे, इस पर हम आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी कि किसी दल पर निर्भर रहना या किसी भी संगठन पर
निर्भर रह के क्या ये संभव हो सकेगा, या 2 अप्रैल की तरह, पिछले 2 अप्रैल की तरह स्वस्फूर्त आंदोलन की अब आवश्यकता है, इस पर भी हमें विचार करना होगा। आप सभी हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद परमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथ ही जाधव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे कोशिश करेंगे कि और भी वक्ताओं को इस कार्यक्रम से जुड़े और आप तक जी, जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अभी भाई बोले जी का संदेश आया है, उनकी चाची उपाय है हो गए थे, तो इस कारण हमारे साथ चर्चा में शामिल नहीं हो पाए हैं। जी 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 जी, सावित्रीबाई फुले जी का संदेश है। चलिए चलिए, हम आगे की आने वाले समय में उनको भी इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत को हमने सही दिशा देने का जो प्रयास किया है वो कहाँ तक सफल हुआ है, ये तो आपकी प्रतिक्रिया ही, दर्शकों की प्रतिक्रिया ही बताएगी। और आगे आने वाले समय में हम एक बार फिर से इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे ताकि सही जो मैसेज है, सही जो संदेश है वो आम लोगों तक पहुंच सके, लोग गोदी मीडिया या उस प्रकार की जो मीडिया है उसके प्रभाव से कहीं पर दूर हो सके और सही दिशा में अपना काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।